नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। निर्दोष टेक ऑनको के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानते हैं कैंसर के एक ऐसे प्रकार के बारे में जो बहुत ही वर्स्ट, बहुत ही खराब होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीए गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के कैंसर के बारे में। दोस्तों, अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो ये सचमुच, अगर ये कैंसर हो जाता है तो ये वाकई में जानलेवा हो जाता है और इससे बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास आज के डेट में जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन मेडिकल हेल्थ केयर में अवेलेबल हैं वो कंप्लीट हमारे को क्योर नहीं कर पाते और हमारा जीवन छोटा हो जाता है इस बीमारी की वजह से। दोस्तों, गॉल ब्लैडर का कैंसर इतना वर्स्ट कैंसर माना जाता है कि जिसको पकड़ पाना कई बार बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आइए जानते हैं गॉल ब्लैडर कैंसर क्यों इतना वर्स्ट, इतना खराब कैंसर माना जाता है। दोस्तों, गॉल ब्लैडर का कैंसर, ये गॉल ब्लैडर के अंदर से बढ़ना शुरू होता है और जब ये बाहर दिखाई देता है तो वो एडवांस स्टेज होती है। इसके पीछे रीजन ये माना जाता है कि गॉल ब्लैडर में सेल्स में म्यूटेशन हो जाने के कारण या सेल्स में गड़बड़ी हो जाने के कारण ये कैंसर अंदर ही अंदर बनने लगता है गॉल ब्लैडर के। गॉल ब्लैडर के कैंसर के बारे में कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कैसे होता है, पर माना जाता है कि जब गॉल ब्लैडर या पित्त के अंदर स्टोन्स हो जाते हैं तो उनकी वजह से भी कैंसर हो सकता है, या बहुत बड़ा कारण है हमारे और आपके लाइफ स्टाइल का। जब हम टोबैको, एल्कोहल बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तब भी गॉल ब्लैडर कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या सिम्टम्स होते हैं गॉल ब्लैडर कैंसर के। गॉल ब्लैडर कैंसर के सिम्टम्स, स्किन का पीला पड़ना या जॉइंटेस बहुत ही सीवियर हो जाना, या आंखों का रंग पीला या एकदम सफेद होना, या बॉडी वेट का एकदम से कम हो जाना, या बहुत ही ज्यादा एब्डोमिनल पेन फील होना और भूख का कम हो जाना। अगर ये सारे सिम्टम्स बॉडी के अंदर आते हैं तो थोड़ा सा अवेयर हो जाने की जरूरत है और जांचों को प्रॉपर तरीके से करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये कैंसर एक बार हमारे बॉडी के अंदर बनने लगा तो इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर का कैंसर अंदर की तरफ से बाहर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि ये पित्त के अंदर होता है। जब ये बाहर आता है तो कोई भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर से अगर अटैच हो गया ये, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, तो फिर इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है तो फिर हमारे पास समय ज्यादा नहीं बचता। दोस्तों, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स जैसे कि मैंने आपको बताए हैं ऐसा महसूस होते हैं, दिखाई देते हैं, तो प्लीज जरूर डॉक्टर से मिले, क्योंकि आपका जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। गॉल ब्लैडर कैंसर के हमारे पास ट्रीटमेंट क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? हम मेडिकल ऑप्शन ले सकते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर हम सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे पास हैं, रिजल्ट्स इन सबसे बहुत बेहतर मिलते हैं, मगर अगर हमने अपनी बीमारी के सिम्टम्स को देख के उसको इनिशियल या शुरुआती दौर में पकड़ लिया तो हम इस कैंसर से लड़ सकते हैं। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल हो जाता है गॉल ब्लैडर के कैंसर से लड़ पाना, उसका इलाज कर पाना। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्ते, जय हिंद।